Hi everyone, welcome to Go Classes. Today we have with us Nehal Shah, who has secured All India Rank 288 in GATE Computer Science 2024. Nehal was Go Classes complete course enrolled student for GATE CSE 2024 preparation. Nehal, congratulations for this rank and thank you for joining us in this session. Thank you, sir. Thank you for inviting me. So Nehal, please tell us about your GATE score and your BTEC college. And did you prepare for the GATE 2024 exam with college or with job, or did you prepare dedicatedly? So I have completed my bachelor's degree from Bhopal, UIT RCTV. I am 2023 pass out. This year, I have attempted in final year, and I have secured All India Rank 2337. With final year, and now this year in GATE 2024, I have secured rank 288, All India Rank 288. ओके तो निहल, जब आपके पेरेंट्स को आपकी रैंक का पता चला, आपने आपने जब अपना रिजल्ट देखा, तो उनको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, कैसे इमोशंस थे? मतलब जब रैंक प्रिडिक्टर पे रैंक मार्क्स पता ही चल गए थे, तो पेरेंट्स को भी पता था, इतना मैंने नहीं बताया था, बट हाँ इतना पता था कि ठीक है IIT मिल जाएगा करके, तो उतना एक्सपेक्टेड था. बाकी मेरा रैंक प्रिडिक्टर में अराउंड 250 के अंडर रैंक आ रही थी, बट फिर वो नॉर्मलाइजेशन के कारण एक मार्क्स कम हो गया और फिर ओवरऑल फाइनली मेरी 288 रैंक आई, तो खुश थे. बट हाँ ठीक. ओके तो आपने फाइनल ईयर के साथ आपने जब गेट का एग्जाम दिया, मतलब गेट 2023 लास्ट ईयर जब आपने गेट का एग्जाम दिया था, तब आपकी रैंक आई थी 2884 2337. ओके 2337 आपकी रैंक थी जो कि आपने फाइनल ईयर के साथ जब आपने गेट एग्जाम दिया तब आपकी रैंक आई. उसके बाद आपने फिर गो क्लासेस में कोर्स एनरोल करके और आपने एक साल पढ़ाई करी बिना किसी जॉब के, आपने डेडिकेटेडली आपने पढ़ाई करी और अब आपकी 288 रैंक आई है. ओके तो निहल, आपका अर्ली मोटिवेशन क्या था गेट एग्जाम के लिए? आपको कब पता चला गेट एग्जाम का? किसने मोटिवेट किया या कहाँ से आपको लगा कि चलो मुझे गेट की तैयारी करनी चाहिए? और आपका कब से आपने प्रिपरेशन शुरू करी? तो गेट का तो मतलब फर्स्ट ईयर से पता ही था. मेरे एक कजिन है, उन्होंने मटेरियल साइंस से गेट दिया था, तो वो भी IIT से MTech किया था उन्होंने, तो गेट का पता ही था. फिर ऐसा प्लान देना ही है, ऐसा मतलब मास्टर्स करना है ऐसा नहीं था. बट देन जब मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में कोडिंग किया, तो कोडिंग ठीक है मतलब जम रहा था, बाकी कॉम्पिटेटिव कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर सोचा कि ठीक है एक बार सिंसियरली गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मुझे लाइक कोर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था बट कोडिंग कॉम्पिटिटिव में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने गेट के लिए फिर सिंसियरली प्रिपेयर किया फाइनल ईयर में. तो फिर मेरी टू मतलब रैंक 2337 थी. फिर मुझे लगा कि मतलब आसान है, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मतलब जो मेरे फ्लोज थे मैंने सोचा कि इस पर काम करूंगी तो शायद मैं मतलब कर लूंगी, तो फिर मैंने सोचा कि एट दी एंड की नहीं, मुझे एक साल ड्रॉप लेना चाहिए और फिर अच्छे से और डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाहिए. ओके तो आपने 2337 आपकी रैंक आ गई. उसके बाद आपने गो क्लासेस का कोर्स एनरोल किया गेट 2023 एग्जाम के बाद. आपको गो क्लासेस का कब पता चला, कैसे पता चला, और आपका व्हाई डिड यू चूज गो क्लासेस? तो गो क्लासेस का जब मैं फाइनल ईयर के साथ जब अटेम्प्ट दे रही थी, तो मुझे नवंबर दिसंबर के अराउंड यूट्यूब से ही पता चला था कुछ सचिन सर का कंप्यूटर नेटवर्क का एरर कंट्रोल वगैरह के वीडियोस पे, तो मैंने उसको देखा था, तो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड. सर ने इतना डेप्थ में वो एरर कंट्रोल पढ़ा था, किसी ने कहीं नहीं ऐसा. मैं लास्ट ईयर जहाँ से प्रिपेयर भी कर रही थी फाइनल ईयर में, मैंने एकदम नहीं देखा था इस तरीके से. सर ने बहुत डेप्थ में पढ़ाया था, तो मुझे था कि हाँ मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया करके. फिर मैंने टेस्ट सीरीज भी, मुझे अराउंड सेप्टेम्बर अक्टूबर के करीब गो क्लासेस का पता था, तो मैंने लेट ही एनरोल किया था टेस्ट सीरीज पे भी, तो मैंने दो तीन ही मॉक फुल लेंथ ही दिए थे लाइक इन फाइनल ईयर अटेम्प्ट, तो मैंने टेस्ट भी देखे, तो मतलब मुझे लेवल बहुत टफ था तब, जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन थी ऑब्वियसली मुझे थोड़ा पेपर टफ लग रहे थे जो मॉक्स थे, तो मैं समझ गई थी कि मतलब बहुत अच्छा मेरी प्रिपरेशन, अगर मैं लाइक अगर मैं ड्रॉप लेती हूँ तो फिर गो क्लासेस को चूज करूँगी मॉक वगैरह के लेवल देखकर. ओके फिर आपने 2023 एग्जाम होने के तुरंत बाद आपने एनरोल किया था या फिर आपने थोड़ा टाइम लिया? हाँ मतलब फिर मुझे था कि अब ड्रॉप लेना ही है और प्रिपेयर करना है, तो फिर मैंने मार्च की एंडिंग में अराउंड एंडिंग 25 आई थिंक 25 मार्च को कुछ तो भी एनरोल कर लिया था, और फिर मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रहा था तब, तो फिर वही जैसे चल रहा था सर का जो शेड्यूल था वही फॉलो करते थे. ओके तो आप जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी
मार्च में दोबारा जब गेट 2024 के लिए आपने प्रिपरेशन शुरू करी, तो आपकी स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी, कितने घंटे आप पढ़ लेते थे दिन में, और किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स को फॉलो किया? तो स्टार्टिंग में जब ड्रॉप लेने का प्लान था, तो मुझे ऐसा था कि मेरा फाइनल ईयर में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट है और मेरे नोट्स भी प्रिपेयर है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ज्यादा टाइम इस बार कंटेंट कवर करने में या वापस लेक्चर्स देखने में नहीं लगेगा टाइम। बट जब मैंने मेरा बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डीएम थोड़ा वीक था, तो फिर मैंने उससे स्टार्ट किया, वही लाइव भी चल रहा था गो क्लासेस पे। तो फिर जैसे जैसे मैं फॉलो करती गई, जब मैंने फाइनल ईयर का अटेम्प्ट लिया था, तब मेरा जो ईएम था, मेट्राइसिस वगैरह, वो सब ऐसे रटा हुआ काइंड ऑफ था कि हाँ फॉर्मूले फॉर्मूला बेस्ड। बट जब मैंने सचिन सर से पढ़ा, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन था, वेक्टर स्पेस वगैरह ये सब एकदम क्लियर था। तो फिर मैं जैसे जैसे पढ़ती गई, मुझे इंटरेस्ट आता गया, तो फिर ऐसा होता कि हाँ चलो ये भी पूरा कवर कर लेते, कवर कर, ऐसे करके मैंने पूरा ही पूरा सब देखा। ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो क्लियर थे, कुछ डाउट्स थे तो वो मेरा ऐसा प्लान था कि देख लूंगी। बट ऐसा फिर हाँ नहीं, पूरा देखते करके फिर ऐसे चलता गया, हर नवंबर तक मुझे सिलेबस कंप्लीट कर देना था। और ओके फिर नोट्स भी फिर मैंने प्रिपेयर ही किया, मैंने सोचा कि नहीं अब पुराने नोट्स तो कोई वर्थ इट नहीं है, अभी न्यू से वापस बनाते हैं, तो फिर मैंने नोट्स कर लिए। अच्छा, आपने नोट्स भी आपने दोबारा बनाए, आपको जो आपने जो हाँ पुराने नोट्स डीबीएमएस थे। वगैरह के, हाँ डीबीएमएस इंजीनियरिंग मैथ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो मुझे लगा कि नहीं इसकी नेसेसरी है, तो फिर मैंने नोट्स बनाए। ओके, जो नोट्स आप बनाते थे वो कितने डिटेल्ड आप नोट्स बनाते थे, और किस तरह से बनाते थे, कि लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर को पॉज कर करके बना रहे हो, या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद में आप अनोटेटेड नोट्स की हेल्प से अपने खुद के नोट्स लिख रहे हो? जो नोट्स क्रिएशन है वो आप किस तरह से करते थे, कितना डिटेल्ड आपके नोट्स होते थे? मैं पॉज जब वीडियो देख रही हूँ तब पॉज कर करके बनाती थी, और मैं एकदम बेसिक अपने लैंग्वेज में, ऐसे जैसे हिंदी में भी हाँ सर ने ऐसा बोला था, तो सर का स्टेटमेंट हिंदी का एज इट इज लिख दी थी, क्योंकि मुझे ही पढ़ने थे, तो मैंने एकदम ओन लैंग्वेज में रफ एंड टफ नोट्स थे मेरे, बाकी जैसे मुझे समझ में आए मैंने एकदम अच्छे से डिटेल जो सर बोल रहे पूरा प्रॉपर लिखा था। अनडिसाइडेबिलिटी और डिसाइडेबिलिटी के सर के सारे प्रूफ, सर ने जो जो बोला था वो सारे एग्जाम्पल्स, वो पूरा ऐसे लिखा। ओके, तो आपने शॉर्ट नोट्स भी अलग से बनाए, या फिर आप बाद में जब रिवीजन करते थे तब आपने अपने ये जो नोट थे उन्हीं से अपने खुद को उन्हीं से आपने रिवाइज किया? तो शॉर्ट नोट्स का मैं क्या करती थी, जब जैसे आपका लेक्चर चल रहा है मैं नोट्स बना रही हूँ, तो जब उस टाइम जब मैं सुबह या शाम को मेरा फिक्स था कि इस टाइम पे रिवीजन करना करके, तो मैं जब रिवीजन करती थी ना, तो मैं A4 साइज पे ऐसे चिट शीट जैसा बना लेती थी, और मेरे सारे पूरे रूम के चारों तरफ वॉल्स पे वो चिट शीट चिपके हुए थे। तो वही मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, वही मेरे शॉर्ट नोट्स थे, और मैं स्टार्टिंग से जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी ना, वैसे तभी की तभी मैं चिपका वॉल पे पेस्ट करती जा रही थी जैसे जैसे पढ़ रही थी। और फिर जब भी मुझे टाइम मिलता था दिन में, मुझे मैं रिवाइज कर लेती थी, और इसमें मेरी मम्मी का भी बड़ा रोल है। मम्मी भी मम्मी को पहले समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है करके, बट मम्मी जब भी टाइम मिले मैं मम्मी से बात करूँ, तो मम्मी वो दीवार पे वो पेज पे क्या लिखा है रिवाइज क्या उसको बोल, ऐसे करके मम्मी मुझे बोलते रहते थे कि हाँ रिवाइज कर। ओके, आपके पास फोटो है आपके रूम की, ये जो आपने जो चिट चिपका रखी है, आपने ऐसा कुछ, आपके पास पिक्चर है कोई आपके पास? हाँ अभी तो मैंने निकाल लिए, और फुल जब मेरा पूरा लास्ट टाइम पे जैसे रूम था वैसे नहीं, बाकी जो भी होगी मैं दे दूँ ओके ओके, स्टेटमेंट। बिल्कुल। हाँ आप दे देना, एक फोटो लगाएंगे एक बार, ठीक है, स्टूडेंट्स को पता चले कि कितनी मेहनत लगती है। इतना इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी है, एक अपना बेस्ट एफर्ट आपको डालना है और गेट के अंदर रैंक आ जाती है। तो निहल, आपने टेस्ट सीरीज कब से शुरू करी, और आपका मतलब जब भी आपको टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपकी क्या अप्रोच रहती थी टेस्ट को अटेम्प्ट करते टाइम, और करने के बाद आप उसका एनालिसिस कैसे करते थे? तो टेस्ट मैंने अगस्त से टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे, मिड ऑफ अगस्त से, और टॉपिक टेस्ट में कोई कोई टेस्ट में लाइक 70% अबव रिजल्ट ऐसे आ जाता था, बाकी किसी किसी में बहुत कम आते थे। तो मैं ऐसा था कि हाँ ठीक है भाई, एक हर एक टेस्ट एक अलग था और हर एक क्वेश्चन अलग था, कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट रहता था, सीखने को ही मिलता था। तो फिर मैं नोट डाउन करती थी कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ नया है, ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, तो फिर मैं रिवाइज करती रहती थी। ओके, जब टेस्ट आपने जब आप टेस्ट दे रहे हो, और अगर आपका कभी लो मार्क्स आ गए, कम मार्क्स आ गए किसी टेस्ट के अंदर, तब आपको ऐसे डिमोटिवेट नहीं होता था कि नहीं यार अब से मैं आगे टेस्ट नहीं दूंगी, या फिर मैं किसी दूसरी टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन कर लेती हूँ जहाँ पे मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे,
ठीक है, मतलब एक इस तरह की ऐसी फीलिंग आपको कभी आती थी कि यार उस टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मैं तो वही टेस्ट सीरीज दूंगी, इस टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं एक काम करती हूँ इसको छोड़ देती हूँ, तो ऐसा कुछ हुआ था? हाँ सर, होता था, पर फिर जैसे ही मार्क्स कम आते थे तो मतलब 2-3 घंटे का रहता था, यार मार्क्स कम आ रहे, मेरा ड्रॉप ले रहे, क्या होगा ऐसे करके। फिर वापस यही सोचती थी कि ठीक है ना, मार्क्स अभी कम आ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपना, कुछ ना कुछ वीक सीखने को ही मिलेगा, ऐसे करके मैं वापस मतलब रिगेन करती थी, और फिर वापस रिवीजन पे और मेरी जो सिली मिस्टेक्स वगैरह थे उस पर फोकस करती थी। ऐसा होता था लास्ट लास्ट में जब मार्क्स में कम आ रहे थे तो दूसरे टेस्ट सीरीज में पता है कि वो इजी रहता है तो उसमें मार्क्स ज्यादा आ गए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे करके एक एक हाथ मैंने किया कभी कि एक हाथ उसका दे दिया कि भाई मार्क्स अच्छा रहे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाकी तो नहीं। फिर मैं सोचती थी कि ठीक है मेरे को मार्क्स कम आ रहे तो मेरे जो मिस्टेक्स है वही मुझे सीखने को मिलेगा, तो यही देते करते। ओके, एक्चुअली आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो थोड़ा ठीक है, ओके, 1-2 घंटे आपको ऐसा लगता है कि यार मार्क्स कम आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी टेंशन भी होती है और आप सोचते भी हो कि यार दूसरे दूसरे लोग मार्क्स कैसे ला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप इम्प्रूव कर रहे हो, सीख रहे हो, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हो, तो ये जब बेसिकली ये जो कंसिस्टेंटली आप जो मतलब ये इंप्रूवमेंट है उसी की वजह से टॉप रैंक आती है। अगर कोई स्टूडेंट इस ऐसे सोच रहा है कि मैं तो इजी टेस्ट देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा एंड तक, ठीक है, तो उसके बाद में फिर उसके बाद में आपको रिग्रेट होगा गेट एग्जाम के बाद। और अगर आप इम्प्रूवमेंट करते रहते हो, इम्प्रूवमेंट करते रहो हर दिन हर टेस्ट के बाद में इम्प्रूवमेंट करते रहो, तो आपको गेट के एग्जाम के बाद अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपको टेस्ट के बाद अच्छा ना लगे लेकिन गेट एग्जाम के बाद बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। तो जो सेम चीज़ है निहल के साथ भी हुई, निहल के भी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली गेट के बाद में इनको अच्छा लगा, तो वो एक मेन पर्पज वही है एक्चुअली। निहल कुछ स्टूडेंट जो है ना वो टेम्पररी जो हैप्पीनेस है उसके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस को भूल जाते हैं, उनको पता है कि अल्टीमेट गोल जो है वो गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम के अंदर टॉप रैंक लानी है, उसके बाद खुश होना है, लेकिन वो अभी से है ना मतलब ऐसे उनके दिमाग में रहता है कि यार मेरे तो हर टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तभी मैं मतलब एक तरीके से अच्छा फील करूंगा। तो कभी कभी मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को वो मैसेज करते हैं कि सर मैं ये उस टेस्ट सीरीज के अंदर मेरे बस अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं सिर्फ वो ही वो दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद में फिर वो गेट में पता चलता है। गेट एग्जाम के बाद में फिर उस स्टूडेंट को रिग्रेट होता है। तो मेरा एक सजेशन है कि इम्प्रूव करते रहो, आपके अंदर आपके अगर किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका कोई रीजन होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, कहीं पर हो सकता है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, या फिर उस टॉपिक को आपने ढंग से पढ़ा नहीं, या फिर सिली मिस्टेक हो गई, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपकी रही होगी, उसको इम्प्रूव करते रहो और बस ऐसे आगे बढ़ते रहो, गेट एग्जाम के बाद में आपकी टॉप रैंक आएगी, आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो निहल, आपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जब हमारे लास्ट में 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुए थे वो आपने दिए थे, आप एकदम बिल्कुल उसी दिन देते थे या फिर आपने कुछ मिस किए? हाँ सर, मैंने दिए तो सारे लाइव ही थे, और लाइव ही दिए थे मैंने। ओके, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस कैसे करते थे? 65 क्वेश्चंस हैं, उनका एनालिसिस आप कैसे करते थे? जो सारे क्वेश्चंस हैं क्या आप उनके सॉल्यूशन देखते थे 65 के, या फिर जो क्वेश्चन आपसे हो गए, जो क्वेश्चन आपके करेक्ट हो चुके हैं उनको आप नहीं देखते थे, आप बाकी क्वेश्चंस को देखते थे, ऐसा कुछ? नहीं मतलब मैं स्टार्टिंग से जैसे मतलब हो गया पेपर, फिर वो जब अपलोड होता था तो लाइन से सारी क्वेश्चन एक बार जाती थी, और ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन तो बन गया एग्जाम में, बट ऐसा रहता है कि कोई दूसरी अप्रोच होगी या उसका बेटर सॉल्यूशन होगा, तो एक बार सॉल्यूशन मुझे जहाँ लग रहा है कि ये मैंने मतलब इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया था, मे बी इसको एक बार देखना चाहिए, तो मैं देख लेती थी सॉल्यूशन। और बाकी मतलब जो क्वेश्चन मेरे को मेरे रॉन्ग मतलब रॉन्ग भी गए तो मैं खुद से अटेम्प्ट करती थी पहले, थोड़ा अपना टाइम देती थी, मेरे से जब एकदम नहीं हो रहे फिर मैं सॉल्यूशन को सर्च करती हूँ। ओके, निहल, आपने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनको आपने मल्टीपल टाइम्स सॉल्व किया सब्जेक्ट खत्म होने के बाद करते थे, या फिर आपने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं नवंबर अक्टूबर के बाद करूंगी? जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे अप्रोच करते थे? तो सर गेट प्रीवियस ईयर मैंने एक ही बार की है, मेरा ऐसा फिक्स था शेड्यूल कि 5 से 8 PYQ करने हैं, तो मैं अराउंड हम लोगों ने मैं और क्वांटम सिटी हम दोनों आप जानते हो, तो हम यस दोनों यस, का क्वांटम सिटी शेड्यूल ऐसा, श्रेयस राठौड़, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 107 आई है। ओके, हाँ तो हम लोग का ऐसा डिसाइडेड था, हम लोग साथ में ही PYQ करते थे, और हम लोग का 5 से 8 ऐसे टाइम फिक्स था, तो हमने मई के अराउंड चालू किए थे और अक्टूबर तक हम लोग के PYQ चल रहे थे, मतलब सारे लाइन से सब्जेक्ट्स के हमने PYQ किए साथ में। और फिर मतलब कैसे करते थे कि सेम ही टॉपिक से PYQ दोनों सॉल्व कर रहे हैं, और फिर कुछ मेरे कुछ डाउट्स या उसके तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मीटिंग वगैरह में, और फिर
वाई की, उसके लिए हमने गेट वर्क को ही फॉलो किया, उसके डिस्कशंस वगैरह कुछ जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाते। तो पीवाई क्यू एक ही बार किया, और फिर जब जनवरी में जो क्वेश्चंस डाउट जो हमने मार्क करके रखे हैं, तो जब भी जनवरी में टाइम मिला मुझे, जैसे जैसे मिला, तो वो मेरे जो डाउट वाले जो मार्क पीवाई क्यू थे वो मैंने किए, बट मुझे सारे करने के लिए टाइम तो नहीं मिला, जितने हो सके उतने मैंने रिपीट किए। जब आप कोई भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गेट ऑफ्रो वेबसाइट पे जाके उसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आप उसके सारे आंसर पढ़ते थे या फिर सिर्फ बेस्ट सेलेक्टेड आंसर पढ़ के आप चले जाते थे, या फिर सारे कमेंट्स भी आप देखते थे? किस तरह से आप गेट ऑफ्रो वेबसाइट को आप किस तरह से यूज करते थे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए? अगर कोई क्वेश्चन इजी है और मतलब मुझे एकदम क्लियर है, लाइक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा, तो फिर मैं मतलब मुझे खुद से ही हो जा रहा था वो क्वेश्चन, हो जाता था क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन रेफर कर देती थी कि हाँ भाई अपना सही है करके। और फिर जो मुझे नहीं बनता था, आई यूज टू रीड डिस्कशंस की, मतलब जो मेरे जैसे और भी लोग हैं उनके सारे जो डाउट्स है वो भी मुझे पता चल जाते थे कि हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसा भी अप्रोच है, या इसमें बच्चों को ये भी डाउट आ रहा है, तो मेरा कहीं ना कहीं क्लियर और चीजें क्लियर होती थी। तो जो क्वेश्चन मेरा टफ है या जो मेरे से नहीं हो रहा था, तो फिर मैं उसका पूरा सारे डिस्कशंस पढ़ लेती थी जितने पॉसिबल हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बेस्ट आंसर से आंसर तो अप्रोच समझ में आ जाती, बट उसके और भी कोई इजी अप्रोच होगी जो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आए और जो डाउट्स होगी वो मेरे क्लियर हो जाए, तो फिर मैं पढ़ लेती थी। ओके निहल, आपने फाइनल ईयर के साथ गेट की प्रिपरेशन करी, आपकी 2337 आपकी रैंक थी, उसके बाद आपने गो क्लासेस ज्वाइन करके आपकी 288 रैंक आई। इन दोनों के अंदर आपकी प्रिपरेशन के अंदर डिफरेंस क्या था, कि आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस था जहां से आप 2337 से आप 288 के ऊपर आए हो, वो डिफरेंस आप बताना। सर बेसिकली मैं बोलूँ तो फाइनल ईयर वाला जो अटेम्प्ट था और उसकी जो लर्निंग थी वो एकदम रोट लर्निंग, मतलब चीजें याद करी हुई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब जब मैंने गो क्लासेस में एनरोल किया ना, तो एकदम चीजें समझ में आई, ऐसा रटा कुछ नहीं था। जैसे एग्जाम्पल अनडिसाइडेबिलिटी या डिसाइडेबिलिटी जो है वो फाइनल ईयर में एक चार्ट रहता है डिसाइडेबिलिटी वाला, वो सिर्फ रटा हुआ था, बाकी मुझे कुछ उसके प्रूफ्स नहीं पता था, उसके पीछे ये है अनडिसाइडेबल है तो क्यों है कुछ नहीं पता था। लेकिन जब अभी इस साल आपका अनडिसाइडेबिलिटी डिसाइडेबिलिटी पढ़ा, तो एकदम सारी चीजें पता चली कि ये डिसाइडेबल क्यों क्यों है वगैरह, तो एकदम क्लियर होता है, ऐसा अपन को अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ये ऐसा है। ओके ऐसा कोई टॉपिक निहल जो आपको पहले लगता था कि यार ये तो मुझे आता है, लेकिन बाद में गो क्लासेस में आपने देखने के बाद में पढ़ने के बाद में आपको लगा ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसे कोई मल्टीपल टॉपिक्स आपके दिमाग में हो जो वाओ मोमेंट की यार फाइनली ये चीज मेरे को सही से समझ में आई है? और मतलब कभी 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 क्या होता है कि हम कोई चीज गलत पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व कर लेते हैं, गलत कॉन्सेप्ट से अपन हम करेक्ट आंसर लाते रहते हैं, तो उसके बाद में जब हमें पता चलता है कि हमारी पूरी कॉन्सेप्ट गलत था, पूरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, मिसकंसेप्शन था, और जब हमें करेक्ट कॉन्सेप्ट का पता चलता है तो हम एक तरीके से झटका लगता है, एक शॉक हाँ लगता है, कि थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है उस चीज को कि यार इतना गलत था। फिर उसके बाद में आप नए कॉन्सेप्ट को समझते हो, फिर से उन उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो ऐसा कोई टॉपिक आपके दिमाग में है जहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स आपके जो भी दिमाग में टॉप ऑफ द हेड आपके जो भी आ रहा है वो आप बताइए। सर, मुझे नॉर्मलाइजेशन एक ऐसे बोलते हैं इजी टॉपिक, मतलब मेरे लिए मुझे इजी लगता था, तो मुझे लगता था कि फाइनल ईयर ये तो सर मतलब सर ने थोड़ा अब तो थोड़ा लेंथ भी है, तो मैं सोचती थी इतना इजी टॉपिक है ये तो मुझे आता था, स्किप कर देती हूँ। बट जब आपका मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि उसमें मतलब वो एक एल्गोरिदम है लॉसी और लॉसलेस प्रूफ करने के लिए उसका, तो मुझे लगता था ये तो सब मुझे आता है, बट जब मैंने आपसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, तो वो सब मुझे नहीं पता था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैं सोच रही थी मुझे आता था। तो ये ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं। ओके निहल, आपका कोई स्टूडेंट्स के लिए सजेशन या कोई एडवाइस, आप सीधा बिल्कुल स्टूडेंट्स को एड्रेस करके अगर आप कुछ बोलना चाहो, उनको कोई आप कोई चीज बताना चाहो जो जो उनकी हेल्प करेगी नेक्स्ट ईयर, दे कैन ऑल्सो बिकम टॉपर लाइक यू, दे कैन ऑल्सो गो टू ओल्ड IIT टॉप टॉप कॉलेजेस, सो प्लीज सजेस्ट एनीथिंग, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड। तो हाय ऑल, पहली बात तो अगर एक ही चीज पे स्टिक करो, बहुत सारे मटेरियल बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, तो आप उसी में उलझे रहोगे। अगर आपने गो क्लासेस को एनरोल किया है तो आप उस पे स्टिक रहो, इधर उधर से कुछ और मत देखो। और दूसरा, मार्क्स कम आ रहे तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट नहीं होना, मेरे भी मार्क्स नहीं अच्छे आते थे कि मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी, बट ठीक है मैं जैसे 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 भी मार्क्स आते थे मैं हमेशा इम्प्रूव करती थी, और बस मिस्टेक जो भी हो रही है उसको सीनियर मिस्टेक को जॉट डाउन करते जाओ और बस उस पर मतलब रिवाइज करो कि ये मेरी गलतियाँ हो रही है तो ये नहीं करूँ, बस वही।
और बस डीमोटिवेट मत हो और कंसिस्टेंटली करो, रिवाइज रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन को स्किप नहीं करो बस। ओके तो निहल, आपका आप गो क्लासेस के फेलिसिटेशन में आए, फेलिसिटेशन 2024, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? सर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब मैं पहले से सोच रही थी मेरा तो 288 AIR है, मतलब पता नहीं मुझे कैसे भी, मतलब मुझे भाव देके ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने जाना चाहिए कि नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है मुझे, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजे आए और मेरा तो बहुत सी एक्सपीरियंस था। अर्जुन सर से मिलने को मिला, फिर सारे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे सबसे अब फ्रेंड्स बन गए, जहाँ भी जाऊंगी मैं तो हाँ जानती हूँ, और फिर बहुत मजा आया, इतना घूमने को मिला, बहुत 3 दिन बहुत अमेजिंग थे। ओके आप वहां पे जितना टाइम रहे, 3 दिन आप रहे, आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 को ज्यादा भाव मिल रहा है, बाकी को कम भाव मिल रहा है, ऐसा कुछ भी एनवायरनमेंट आपको लगा? पूरा जो एनवायरनमेंट है वो हमने इस तरह से बनाया था कि एक बार आप यहाँ पे आ गए, आपकी रैंक मैटर नहीं करती, आप सब सब सेम हो, सब इक्वल हो, तो ऐसा एक एनवायरनमेंट हमने बनाया था। ऐसा नहीं था कि अच्छा हर चीज एकदम हाँ रैंक के बेसिस पे हो रही है, कि अच्छा पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा कुछ नहीं, एनवायरनमेंट ऐसा था कि रैंक तो पूछ ही नहीं रहे, ठीक है, पूरा एनवायरनमेंट हमने इस तरह से बनाया था। तो वो कैसा था? बिल्कुल, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि रैंक 2 और रैंक 1 उनको ही भाव मिल रहा है, सब एकदम सब साथ में, कोई मैटर नहीं कर रहा था किसकी क्या रैंक थी वगैरह। वो तो जब फेलिसिटेशन के टाइम पे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी रैंक फेलिसिटेशन के टाइम पे पता चली, उसके पहले तो सब फ्रेंड्स वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा मुझे भी लग रहा था बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, तो काफी मजे आए थे। मुझे भी क्या कि हमें भी नॉस्टैल्जिया होता है कि यार काफी एकदम 3 4 दिन एकदम एंजॉय किया था सारे स्टूडेंट्स के साथ में, सारी चीजें एकदम होता है ना कि सारी चीजें भूल के दिमाग से निकाल के वो 3 4 दिन एकदम बस फन, एकदम मजे करो, घूमो फिरो, साथ में गेम्स खेलो। और आपका एक वो वीडियो भी है जिसके अंदर आप मतलब कार्ड्स बांट रहे हो, और ठीक हाँ है, सर, वो वीडियो भी बहुत अंजलि ने डाला था। बहुत तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था पूरा, एकदम हर तरीके से एंजॉय किया, कार्ड्स हो, घूमना हो, फिरना हो, बहुत मस्त बिल्कुल, तो अभी आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? सर। प्लान्स सच IIT टारगेट कर रही हूँ, अगर फीमेल कोटा से मिले तो, बाकी नहीं फिर IIT कानपुर खड़गपुर। ओके, सो थैंक यू निहल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी विद द स्टूडेंट्स। इट विल डेफिनेटली हेल्प मेनी स्टूडेंट्स, एंड सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके निहल।